हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं सब टीवी के शो हीरो गायमोड ऑन के बारे में। तो गाइज, काफ़ी दिनों से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ कि हीरो गायमोड ऑन में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लीप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एक महीने का लीप लेगा, इसके आसपास कोई लीप का टाइम है, मतलब ज़्यादा बड़ा लीप नहीं होने वाला। और जो कुछ नई एंट्रीज होने वाली हैं शो में, उसके बारे में भी मैं आपको बताता आ ही रहा हूँ। और गाइज, ईशा रुगानी की एग्जिट के बारे में भी आपको पता ही है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी सारे चेंजेस तो आपको इस शो में देखने को मिलने ही वाले हैं, उन्हीं में कुछ नए चेंजेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। बाकी पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि तनीषा शर्मा नई फीमेल लीड प्ले करने वाली हैं, आपको पता ही होगा। और उनका जो करेक्टर होगा काफ़ी रफ एंड टफ होगा, और वो एक IPS ऑफिसर होंगी। IPS ऑफिसर का वो रोल निभाने वाली हैं, और अभिषेक निगम के करेक्टर यानी कि हीरो के करेक्टर के ऑपोजिट उनको फीमेल लीड में लाया गया है, ये तो आपको पता ही है। ऑल्सो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि पपिया सेन गुप्ता एक्ट्रेस जो है उनकी भी एंट्री होने वाली है शो में, और उनका जो करेक्टर होने वाला है उस पर भी मैंने आपको डिटेल्स दी थी कि वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का करेक्टर प्ले करने वाली हैं, काफ़ी अच्छी CM जो कि इज्जत भी देंगी हीरो को, उनको हीरो की रिस्पेक्ट होगी, उनके हीरो के प्रति उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि हीरो वो हेल्प करता है सिटी की और पुलिस वगैरह की हेल्प करता है, तो इसके कारण जो CM है वो रिस्पेक्ट करती है हीरो को। तो इस तरह का करेक्टर उनका होने वाला है। आपको इसको कुछ और भी नई एंट्रीज होने वाली हैं शो में, जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि लीप के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और नई एंट्रीज़। तो गाइज, अब मैं आपको बता दूं कि एक्टर जाहिद अली भी जल्दी आपको शो में देखने को मिलेंगे। उनको भी रोपिन कर लिया गया सीरियल में किसी ना किसी रोल के लिए, अभी के लिए उनके करेक्टर पर डिटेल्स नहीं है। बाकी सेम प्रोडक्शन हाउस के अलादीन नाम तो सुना होगा, जो कि सब टीवी पर ही आता था, उसमें भी वो दिख चुके हैं, और अब हीरो गायमोड ऑन में भी जल्दी उनकी एंट्री जो है होने वाली है। और अगर हम बात करें एक और नई एंट्री की, तो वो है आलिया घोष, जिनको ज़्यादातर जाना जाता है स्टार भारत के राधा कृष्ण सीरियल से। तो गाइस, वो भी शो में एंटर करने वाली हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करने के लिए, लेकिन अभी के लिए नहीं पता परमानेंट करेक्टर होगा या फिर टेम्परेरी, और उनके करेक्टर की कितनी करेक्टर किस तरह का होगा, करेक्टर की डिटेल्स, लेकिन नई एंट्री उनकी भी होने वाली है। तो गाइस, ये जो एंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है तो ये होने वाली हैं हीरो गायमोड ऑन में, और कुछ नए विलन्स भी एंटर करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जब ये सब चेंजेस टेक प्लेस कर रहे होंगे। ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, और कुछ और नई एंट्रीज भी होंगी जिन पर जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा। तो गाइस, हीरो गायमोड ऑन में ये सब चेंजेस इसलिए ला रहे हैं बिकॉज मेकर्स चाहते हैं कि वो 7:30 बजे की टाइम स्लॉट पर भी सर्वाइव कर पाएँ और अच्छी TRP ला पाएँ, और उनका शो ऑफेयर ना जाए, बिकॉज अगर 7:30 पे TRP अच्छी ना आई तो शो ऑफेयर चला जाएगा। अभी के लिए इसका टाइम स्लॉट भी बदला जा रहा है। तो ये सब मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, और कहानी में भी काफ़ी ज़्यादा नए ट्विस्ट नए मोड आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग एपिसोड्स में। तो उसके लिए सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हीरो के फैंस के साथ, कमेंट्स में बताइए आप एक्साइटेड हैं फिर नहीं है नई एंट्रीज़ के लिए। और गाइस, हीरो और सब टीवी की सारी मेजर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल लीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ में बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें, हीरो की अपकमिंग न्यूज़ सारी आप तक पहुँचती रहे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।